नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं यादव क्लासेस। आज मैं आपके लिए क्लास नंबर 7 लेके आया हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 121 टू 140 क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सीरीज़ के अगर आपने हमारे पहले 6 वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने 120 क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप 6 वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सातवां वीडियो है, 7th क्लास ही है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है, इन काइनेटिक मेथड ऑफ लिफ्टिंग अ लोड द फीट शुड बी केप्ट अबाउट 6 इंचेस अपार्ट, 10 इंचेस अपार्ट, 15 इंचेस अपार्ट या 18 इंचेस अपार्ट। तो इसका आंसर है दोस्तों 18 इंचेस अपार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। काइनेटिक मेथड में जो हम लिफ्ट उठाते हैं उसमें 18 इंच की दूरी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड इन विच द पर्सन इज रेस्क्यूड विथ फेस अपवर्ड्स। कल मैंने आपको डाउनवर्ड्स बताया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ अपवर्ड्स। तो ये मेथड है दोस्तों सिल्वेस्टर्स मेथड। ठीक है, सिल्वेस्टर्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिक्वायरमेंट फॉर कंबशन आर फ्यूल ऑक्सीजन एंड हीट, फ्यूल एंड हीट, हीट एंड ऑक्सीजन या फ्यूल एंड ऑक्सीजन। एंड द आंसर इज फ्यूल ऑक्सीजन एंड हीट, तीनों चीज़ें चाहिए कंबशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन शॉर्ट सर्किटिंग द प्रोब्स ऑफ एन ओम मीटर इट्स पॉइंटर शोज 100 किलो ओम्स, 0, इनफाइनाइट ओम्स और नन, इट शोज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ फ्यूज ऑपरेट्स ड्यू टू द डैश इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हीटिंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए फुली डिस्चार्ज सेल फॉल्स डाउन टू 1.15, 1.50, 1.28 और 1.90 एंड इट फॉल्स टू 1.515 वोल्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेजिस्टर इन अ सर्किट इज यूज फॉर ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ करंट, इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ करंट, रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ करंट और नन ऑफ द अबव। द आंसर इज इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल यूज फॉर सिग्नलिंग पर्पजेज वेट सेल, ड्राई सेल, लेक्लान सेल और निकल आयरन सेल। एंड इट इज लेक्लान सेल। ओके, इट इज यूज फॉर सिग्नलिंग पर्पजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन हेडफोन्स, माइक्रोमीटर्स, रिलेस और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। द आंसर इज इट इज यूज इन रिलेस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कंटेन्स वन प्राइमरी वाइंडिंग एंड वन सेकेंडरी वाइंडिंग, थ्री प्राइमरी वाइंडिंग एंड थ्री सेकेंडरी वाइंडिंग्स, थ्री प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी वाइंडिंग्स, वन प्राइमरी एंड थ्री सेकेंडरी वाइंडिंग्स। जनरली इट कंटेन्स थ्री प्राइमरी एंड थ्री सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ओके, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ अ टेप रिकॉर्डर कैन बी टेस्टेड बाय मेजरिंग इट्स स्पीड, मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस इट, मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर वाइंडिंग और मेजरिंग द करेंट ड्रॉन बाय द मोटर अंडर नो लोड एंड फुल लोड कंडीशंस। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मेजरिंग द करेंट ड्रॉन बाय द मोटर अंडर नो लोड एंड फुल लोड कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोफोन डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल डीसी सोर्स फॉर इट्स वर्किंग, कैपेसिटर माइक्रोफोन, कार्बन माइक्रोफोन, डायनेमिक माइक्रोफोन और नन। आंसर इज कैपेसिटर माइक्रोफोन। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल डीसी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसीवेबल रेंज फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज 16 हर्ट्स टू 600 हर्ट्स, 16 हर्ट्स टू 600, 1600 हर्ट्स, 16 हर्ट्स टू 6000 हर्ट्स और 16 हर्ट्स टू 16000 किलो हर्ट्स। इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 16 हर्ट्स टू 16000 किलो हर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कलर कोडिंग रेड कलर रिप्रेजेंट्स बाय इट्स फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल इट्स जनरल फॉर्मूला इज PBRY, राइट, थर्ड नंबर रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लायर। ओके, वी आर हैविंग अ फॉर्मूला फॉर कलर कोडिंग लाइट, बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, राइट, यू ऑल नो अबाउट इट। तो सो द थर्ड और द रेड कलर रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द मेन फंक्शन ऑफ अ ट्यूनर इज isolate the IF, improving noise, amplify signal or select the desired channel out,
of the channel picked by the apt antenna? The answer is option number 4. Select the desired channel first and then the channel is picked up for the antenna. Next question. In a decorative strips, the LEDs are connected in series, parallel or none? It is connected in parallel. Okay. In decorative strips. Generally, we use in Diwali. Right. So, it is connected in parallel. A cell phone is a radio receiver, radio transmitter, radio transceiver or telephone? The answer is radio transceiver. Okay. A cell phone is a radio transceiver. Next question is the input to the detector stages. RF, IF, AF or none? It is IF. Right. And the output of mixer is also AF. IF. Okay. Both are same. Input to the detector stage is IF and the output of mixer is IF. Okay. Next question. A bolometer is a device which is used to measure heat, temperature, radiant energy or humidity. Answer is radiant energy. Okay. Next and the last question, which of the following instrument is used to measure the low resistance? Wenn bridge, Wheatstone bridge, Kelvin's bridge or all of the above mentioned bridges? The right answer is it's Kelvin bridge. Okay. It is used to measure low resistance. Okay. So, ये था क्वेश्चन हमने डिस्कस किया दोस्तों. आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये हमारी क्लास 7. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा. और आपने हमारे प्रीवियस 6 वीडियो नहीं देखे हैं जो हमने 120 क्वेश्चन पहले डिस्कस किए हैं, तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उस पर जाके सभी वीडियो देख लीजिएगा. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. हैव ए नाइस डे.